बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुबई की जो पुलिस है उसने अभी रिपोर्ट में बताया है, उनका कहना है दुबई हुकूमत का भी, कि उन्होंने एक मियां बीवी को पकड़ लिया जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको थोड़ी सी आगाही आए कि यहाँ पे क्या चल रहा है दुबई में। उन दोनों मियाँ बीवी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, अभी जो है वो थोड़ी देर के लिए, यानी कि उन्होंने ऐसे उतारा था सांस की वजह से, आपको जैसे पता गर्मी बड़ी होती है, उन्होंने अभी उतारा ही, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। और उसके शौहर ने जो है पुलिस को बकौल पुलिस के कि उसने 2000 दिरहम हमें रिश्वत देने की कोशिश की कि रिश्वत ले लो और हमें छोड़ दें। तो बहरहाल ये कुछ अलग सा ही वाकया हुआ, क्योंकि वहाँ पे तो जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया और अदालत तक बात पहुँच गई है। और अदालत जो है अब इसकी कार्रवाई देख रही है कि अगर रिश्वत दी है तो इसको डिपोर्ट किया जाए या इसको सज़ा दी जाए। पुलिस का कहना है कि 2000 दिरहम, तो 3000 दिरहम जुर्माना होता है, तो उन्होंने कहा 2000 दिरहम जो है ये हमें रिश्वत दे रहा था। तो बाहर अभी देखें अभी इनका क्या फैसला आता है, लेकिन इस तरह के मामलात भी चल रहे हैं। लेकिन जब अदालत ने उस आदमी से पूछा तो उसने कहा कि मैं तो ऐसे ही घर से बाहर निकला था, कुछ बाहर किसी को मिलना था, मैंने ऐसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर आए, तो ये भी मेरे पीछे बाहर आ गई। तो उतनी देर पुलिस ने जो पकड़ लिया। तो बाहर आ लिए कुछ अपडेट्स थी, एहतियात करें, पुलिस ने बड़ी सख्ती की हुई है दुबई में, तो बड़े जुर्माने से बच जाएंगे, और बाहर निकलने से पहले जो मास्क ज़रूर पहने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।